नमस्कार, मैं आपका साथी विष्णु। आज ग्वार के भाव पर एक विशेष रिपोर्ट लेकर आया हूँ। दर्शकों, एक बहुत ही बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि ग्वार लगातार कई वर्षों से किसान ये सोच रहे हैं कि ग्वार का भाव क्यों नहीं आ पा रहा है या कब तक आएगा। मैंने कोशिश की है विभिन्न विशेषज्ञों से बात करके आपको एक बिल्कुल संकलित रिपोर्ट देने की। मुझे उम्मीद है शायद मेरी ये सारी बातें ग्वार की बिजाई के भविष्य पर भी अपनी स्पष्टता दिखाएगी। साथियों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं और मेरा वीडियो यदि आपको उपयोगी लगे तो अन्य कृषक समूह में इसको अवश्य प्रेषित करें ताकि कि हमारी पूरी टीम को एक मजबूत हौसला मिले। अभी यदि मैं इस वर्ष की बात करूं जो बीता वर्ष है, जिसमें एक दिन लगातार स्पीड से बढ़ता हुआ भाव 12,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, उसके बाद बाज़ार वापस गिर गया, लगातार 4,000 के पास घूमता रहा। अब यदि मैं औसत भाव की बात करूं तो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव चल रहे हैं। अब प्रश्न यहाँ ये बन रहा है कि क्या भविष्य में ग्वार का भाव आएगा। हाँ, मेरे इस वीडियो को पूर्ण यदि आप देखेंगे तो आपकी सारी बातों का सही जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। साथियों, ग्वार राजस्थान के बिरानी क्षेत्रों में और हरियाणा के इसार, सिरसा, भिवानी जिले के सिंची क्षेत्रों में इसकी बुआई की जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5-6 वर्षों से किसानों को ग्वार के उचित दाम ना मिलने और दूसरी जिन्सों के ग्वार के मुकाबले ज़्यादा दाम मिलने की वजह से लगातार किसान जो है वो ग्वार की बिजाई से विमुख हो गया है। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ ग्वार मिनिमम स्पॉट प्राइस से बाहर है, वहीं इसी खरीफ सीजन में ग्वार के साथ पैदा होने वाली उसी एक सीमित अवधि की फसल मूँग जो MSP के दायरे में है, तो किसान के पास जब ऑप्शन होता है कि उसको दोनों में से क्या बोया जाए, तो एक किसान जो है MSP मिनिमम स्पॉट प्राइसेस की जो जींस है उसको बोएगा। तो इससे लगातार पिछले कुछ वर्षों से ग्वार की सिंचित क्षेत्रों में बिजाई या असिंचित क्षेत्रों में मैं बात करूं वहां भी इसकी बिजाई लगातार घट रही है। क्यों? क्योंकि उसको एक वाजिब जो दाम मिलना चाहिए वो लगातार नहीं मिल रहा है, एक उम्मीद पर हर वर्ष किसान इसके क्षेत्रफल को घटा रहा है। दूसरा, यदि मैं एक बड़े उदाहरण से यदि बात करूँ तो सिंचित क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में जहाँ 80 लाख बोरी प्रति वर्ष के आसपास आती थी सिंचित क्षेत्रों में, मैं यहाँ फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ हरियाणा के इसार, सिरसा, भिवानी जिला और राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला जहाँ पर 80 लाख बोरी प्रति वर्ष ग्वार का उत्पादन होता था, वहाँ पिछले कुछ वर्षों से 15 लाख बोरी प्रति वर्ष और इस वर्ष जो आंकड़े हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं जहाँ से हमने कोशिश की है वो 7-8 लाख बोरी इस वर्ष का उत्पादन सिंचित क्षेत्र से माना गया है। इसके अलावा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अच्छे भाव मिलने के बावजूद भी अराइवल्स जो ग्वार की वो 6 लाख बोरी कम रही है। ये क्या दर्शाता है? ये बात दर्शाता है कि लोगों के पास ग्वार का स्टॉक बचा हुआ नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं यदि आपको बताऊँ कि इस वर्ष फसल का लगभग मोटा मोटी अनुमान 70% माल जो है बाजार में आ गया है। हो सकता है इसमें वेरिएशन हो सकती है 3-4% की। इसके अतिरिक्त इस साल का जो नए ग्वार का स्टॉक शायद ही कहीं किसी ने किया हो। इसके अलावा हमारी विदेश में निर्यात की मांग लगातार बढ़ रही है। अभी कुछ जगह से हमें आंकड़े प्राप्त करने की कोशिश की है, वहाँ पर एक आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है कि दिसंबर महीने का जो ग्वार का एक्सपोर्ट है वो 26,000 टन के आसपास जो है वो हमें प्राप्त होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ये सब फैक्टर हैं और इसके अतिरिक्त जो हमारे पास पीछे का जो स्टॉक है वो नहीं है और इसके अलावा आगे वाले सीजन में नरमे के भाव मजबूत रहने से, मूंग के भाव मजबूत रहने से किसान शायद सिंचित क्षेत्र में इसकी बुआई करें। क्या ये सब कारण ग्वार के भाव को तेजी बनाने में सार्थक सिद्ध नहीं होंगे? बिल्कुल निश्चित कि ये सभी फैक्टर बनकर ग्वार के भाव को यहाँ से एक अच्छी ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। ये अच्छी ऊंचाई कितनी होगी ये वक्त पर निर्भर कर रही है। हम देख रहे हैं कि दुनिया में फिलहाल
थोड़ा सा एक ओमिक्रॉन वायरस का कहीं कहीं भय है। अगर बिना किसी दबाव के इसी तरीके से इसी रफ्तार से यदि हमारा निर्यात बढ़ता गया और जो फिलहाल नरमे का भाव है यदि वही मजबूत रहा, तो ये सब फैक्टर मिलकर ग्वार के भाव को शायद 2022 के अंदर एक अच्छी ऊंचाई ले जाएंगे। ये विशेषज्ञों का मानना है, मेरा निजी अनुमान है, किसानों की राय है और स्टॉकिस्टों से पूछे गई बेवाक टिप्पणियां हैं जिन्होंने बताया है कि ग्वार का जो बड़ा स्टॉक है वो लगभग नहीं है। तो हम भी मानते हैं मांग और सप्लाई जब बराबर हो तो भाव स्थिर रहते हैं, जब मांग ज़्यादा हो सप्लाई टाइट हो तो भाव निश्चित रूप से बढ़ते हैं। मैं थोड़ा अपने दर्शकों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, हमारा इस वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य है ग्वार की बिजाई के आंकड़े, ग्वार के उत्पादन के आंकड़े, ग्वार के कैरी स्टॉक के आंकड़े, आगे ग्वार क्या किसान बोएंगे, ये सब तथ्य आपको अवगत कराना था। आप अपने माल को अपने तरीके से बेचें, अपनी आवश्यकता से माल को निकालें, बाज़ार पर एक विशेष ध्यान रखें। हमारा सिर्फ आंकलन है, तेज़ी मंदी इस पर आप अपने विवेक से फैसला करें आप अपना माल कब बेचेंगे। तो किसान भाइयों, छोटे व्यापारियों और प्रिय दर्शकों, आपको मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि मैं तथ्यों से आपको अवगत कराऊं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद।